हेलो दिस इज रेखा कुशवाहा एंड वेलकम टू एम फॉर टीचिंग। हाजिर हूँ आप सभी के सामने बहुत ही अमेजिंग कंटेंट और वीडियो के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप लोग अपने केवीएस पीआरटी की तैयारी शुरू कर सकते हैं, जिसमें हम सिलेक्टेड बुक्स, इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी एंड इंपॉर्टेंट टिप्स के अकॉर्डिंग सारी की सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिए और इस बार आप लोगों को अपनी जी जान लगा देनी है केवीएस पीआरटी को क्रैक करने में। तो ये हमारी केवीएस की सीरीज नंबर 7 है। ऑलरेडी मैं 6 सीरीज लेकर आ चुकी हूँ, जिसमें मैंने एज क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पूरा लास्ट ईयर का जो पेपर है पीआरटी का 2018 का, उसे डिस्कस किया है। तो आप लोग देख सकते हैं। स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग पूरी तरीके से इन्फो टीचिंग से और मुझसे जुड़ सकते हैं। ये लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सभी लिंक से जुड़ें और इन्फो टीचिंग का पॉजिटिव सपोर्ट दें बेल आइकन और सब्सक्राइब के साथ, ताकि आप लोग किसी भी अपडेशन को, किसी भी नोटिफिकेशन को वीडियो के मिस ना कर सकें। सबसे पहले तो एक चीज़ मैं क्लियर करूंगी, 2018 में केवीएस में बहुत बड़ा चेंज हुआ था। पूरा एग्जाम पैटर्न ही चेंज हो गया था, सब्जेक्ट भी चेंज हो गए थे। 2019 में हमारा एग्जाम नहीं हुआ। अब बारी है 2020 की, जिसमें श्योरिटी है कि आफ्टर सेप्टेम्बर अक्टूबर हमारे सामने वैकेंसीज आएंगी केवीएस की। तो तैयारी चल रही है हमारे सामने 2020 के एग्जाम को क्रैक करने की। ठीक है, केवीएस पीआरटी के लिए हमें ये स्कोर चाहिए, यानी कि 85% आप लोगों को रिटन एग्जाम में और 15% आप लोगों का रहता है इंटरव्यू में। तो सबसे ज़्यादा मेहनत आप लोगों को कहाँ करनी है? रिटन एग्जाम में। अगर आप लोगों ने रिटन एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर लिए, तो आप लोग कहीं ना कहीं सिक्योर हो जाओगे कि आप लोगों का एग्ज़ाम एज अ 15% बच गए हैं इंटरव्यू के अकॉर्डिंग, वो कहीं ना कहीं फिर क्रैक होने के पूरे पूरे चांसेस हो जाते हैं। तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है रिटन एग्जाम में। तो रिटन एग्जाम में कैसे मेहनत करनी है, तो वो मैं क्लियर बता दूंगी। सबसे पहले तो आप लोग अपने माइंड में एक चीज़ बिल्कुल बांध लो या गांठ लगा लो कि आप लोगों को अगर केवीएस पीआरटी का एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो कम से कम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए 4 से 6 महीने तो देने ही पड़ेंगे। आपको खुद ना खुद के अकॉर्डिंग, मतलब जिस भी सोर्स से आप पढ़ रहे हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग खुद तैयारी करें। सेल्फ आप लोगों को कहीं ना कहीं पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आप 3 महीने पढ़ रहे हो, चाहे आप 2 महीने पढ़ रहे हो, चाहे 4 महीने पढ़ रहे हो। फिर बाकी का जो टाइम बचेगा किसी अदर सोर्स से पढ़ने का, तो वो आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि साथ के साथ आप लोग सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो और साथ के साथ आप किसी अदर लिंक से भी पढ़ रहे हो। पर जेन्युइन चीज़ें होनी चाहिए, जेन्युइन लिंक से आप लोग जुड़िए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए एक सजेशन रहेगा। अब बात करते हैं कि लास्ट ईयर जो चेंज हुआ, उसमें आप लोग क्या कर सकते हैं और क्या चीज़ें नहीं कर सकते। सबसे पहले तो जो चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, वो क्लियर कर देती हूँ मैं। ये हमारा जो एग्ज़ाम है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, पेपर 1 एंड पेपर 2। अगर आप चाहो तो हिंदी और इंग्लिश, जो पेपर 1 में जर्नल हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत ही सिलेबस होता है, ज़्यादा सिलेबस नहीं होता, बहुत ही ईजी कंटेंट आता है। आप लोग प्रीवियस ईयर का 2018 का पेपर, जो मैंने प्रीवियस जो मतलब वीडियोस हैं उसके अकॉर्डिंग शेयर किए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो पूरा कंटेंट आप लोगों को समझ आ जाएगा कितना ईजी है। आप लोग इसमें 20 में से 20 ले सकते हैं दोनों ही पेपर में। ठीक है, अब बात आ जाती है कि ये जो 5 सब्जेक्ट है, इनके लिए आप लोगों को करना क्या है। जनरल अवेयरनेस आप छोड़ नहीं सकते, रीजनिंग आप छोड़ नहीं सकते, कंप्यूटर लिटरेसी आप छोड़ नहीं सकते, पेडागोजी के लिए आप लोगों को सब कुछ पढ़ना पड़ेगा जो भी सिलेबस में दिया गया है। 20 मार्क्स लाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर ये श्योरिटी नहीं होगी कि आपको सिर्फ 8 टॉपिक्स पढ़ने हैं या 9 टॉपिक्स पढ़ने हैं या 10 टॉपिक्स पढ़ने हैं, आप लोगों को सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कोई आइडिया नहीं है कि 20 मार्क्स का कंटेंट कहाँ से आ सकता है और कहाँ से नहीं। अब आ जाती है बात सब्जेक्ट कंसर्न की। ये अपने आप में 5 से 6 सब्जेक्ट रखता है अपने पास, जिसपे मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, साइंस, सोशल साइंस, इट मीन्स 5 से 6 सब्जेक्ट हो गए। तो उसके लिए आप लोगों को कंटिन्यू करना पड़ेगा 80 मार्क्स को लेने के लिए। और ये आप लोग कहाँ से करेंगे? एनसीईआरटी की बुक से। तो उस चीज़ के लिए भी मैं आगे बुक की लिस्ट बता दूंगी, तो उससे क्लियर हो जाएगा आपको। जर्नल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स की सीरीज मैंने स्टार्ट कर दी है। सेल्फ स्टडी के लिए आप लोगों को मैं बुक बताऊंगी, वहाँ से आप लोग कर लीजिएगा। कहने का मतलब ये है कि आप लोग 4 से 6 महीने अगर इस पूरे पैटर्न को देंगे, इस पूरे पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, तो आप लोग ये नहीं सोच पाएंगे कि हाँ अब की बार का एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा। आप लोग कहीं ना कहीं पॉजिटिव तरीके से अपनी रिवीजन और प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते चलिए, और आप लोगों का पीआरटी का एग्ज़ाम बिल्कुल क्रैक हो जाएगा। और जो चीज़ें या जो टिप्स मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी, वो आप लोगों को कंटिन्यू करनी ही पड़ेंगी। ठीक है, तो 5 से 6 सब्जेक्ट
आएंगे सब्जेक्ट कंसर्न में, तो उसके लिए आप लोगों को कंटिन्यू करनी पड़ेगी अपनी सेल्फ स्टडी एनसीईआरटी की बुक से। अब बात ये आ जाती है कि आप लोग किस तरीके से रिवीजन करेंगे, किस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे, तो वो मैं आगे बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है। सबसे पहला आ जाता है बिफोर नोटिफिकेशन एंड आफ्टर नोटिफिकेशन, दो चीज़ों में मैंने बांटा गया है। तो अब जो हमारा टाइम चल रहा है वो चल रहा है बिफोर नोटिफिकेशन का, क्योंकि नोटिफिकेशन तो आया नहीं है। तो अब क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले ध्यान में रखना है कि कौन कौन सी चीज़ें कंटिन्यू करनी है। ये पांच चीज़ें आप लोग कंटिन्यू कीजिए। सबसे पहले तो आप लोगों को अपने कंप्लीट सिलेबस की नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट में क्या चीज़ें आ रही हैं। ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ सिलेबस से रिलेटेड वीडियो, आप लोग देख सकते हैं, न्यू सिलेबस है उसके अंदर सब कुछ न्यू। तो वो वहाँ से आप लोग तैयारी स्टार्ट कीजिए, एक एक टॉपिक को उठाइए डेली और कंटिन्यू करते चलिए अपनी प्रिपरेशन। मेक योर ऑन टाइम टाइम टेबल। यहाँ पर मैं टाइम टेबल के लिए ये नहीं कहूँगी कि आप लोग 8 से 9 घंटे का टाइम टेबल बनाइए, या 9 से 10, या 10 से 12, या 18 घंटे का टाइम टेबल बनाइए, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 घंटे का टाइम टेबल बनाइए, पर वो टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए जो जेन्युइन होना चाहिए। उसमें आप लोगों के हाथ में ना मोबाइल, ना कंप्यूटर, ना किसी अदर कोई ऐसा लिंक नहीं होना चाहिए। उसमें आप सिर्फ क्या करेंगे, सेल्फ स्टडी कंटिन्यू करेंगे, सेल्फ स्टडी, ठीक है। सेल्फ स्टडी 3 से 4 घंटे आप लोगों को कंटिन्यू करनी है। जो आप लोगों की बुक, जो सिलेक्टेड बुक्स आप लोगों को मैं बताऊंगी, वहां से आप लोग कंटिन्यू करेंगे। पर कंटिन्यू कैसे करना है कि आप लोगों के माइंड में वो चीज़ बैठी होनी चाहिए कि अगर मैंने 3 से 4 घंटे में कुछ पढ़ा है तो वो मेरे माइंड में बैठी हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कंटिन्यू करनी है। मेकिंग नोट्स आप लोगों को कंटिन्यू करने हैं, नोट्स आप लोग बनाइए, और इस तरीके से नोट्स बनाइए कि आप लोग जब भी आप लोगों का नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद जब रिवीजन का टाइम मिले तो आप लोगों को इधर उधर बुक देखने की या किसी अदर सोर्स पे जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। वो नोट्स आप लोग एज अ रिवीजन के तौर पर बनाएंगे। कंप्लीट योर सिलेबस एंड क्लियर योर कॉन्सेप्ट। रटाफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने सिलेबस पढ़ लिया है अच्छे से, आप लोगों को पता चल गया है कि सिलेबस में ये चीज़ें आएंगी, तो कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए पैडागोजी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, चाहे वो थ्योरीज हैं, चाहे वो कोई भी अदर चीज़ें हैं, तो उनको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए कि किस थ्योरी में क्या क्या चीज़ें कही गई हैं या किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। एक एक चीज़ को आप लोग इस तरीके से समझिए कि उसकी जड़ तक आप लोगों को पहुँचना है, कि कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से उसे कर सकें। लास्ट पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे आज के टाइम पर बहुत सारे कैंडिडेट क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अगर आप लोग किसी एक चीज़ से जुड़े हुए हैं, पर जेन्युइन चीज़ से जुड़िए, ठीक है, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे अदर सोशल लिंक हो, एक जेन्युइन चीज़ से जुड़िए और उसी के रिवीजन और प्रिपरेशन वहीं से कंटिन्यू कीजिए। ये नहीं है कि आप लोगों ने हज़ारों चीज़ें अपने मोबाइल में कैप्चर करके रखी हुई हैं, हज़ारों चीज़ों से जुड़े हुए हैं, अपना टाइम इधर देख रहे हैं, पीडीएफ चाहिए आपको, ये चाहिए, वो चाहिए, आप इधर उधर अपने माइंड को डाइवर्ट मत कीजिए। सिलेक्टेड चीज़ों से पढ़िए, सिलेक्टेड कंटेंट से पढ़िए और जेन्युइन चीज़ों से पढ़िए। आफ्टर नोटिफिकेशन, वैसे तो मैं इस ये जो आफ्टर नोटिफिकेशन है ये मैं बाद में बताने वाली थी, बट मैं फिर भी बता ही देती हूँ। यहाँ पर जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है, बिफोर नोटिफिकेशन वाली चीज़ें। इट मीन्स आप लोग बिफोर नोटिफिकेशन वाली चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं, 3 से 4 महीने में, 2 से 3 महीने में आप लोगों का ये सारा कंटेंट कवर हो जाएगा। तो अब आप लोगों की बारी आएगी आफ्टर नोटिफिकेशन की। तब क्या करना है आप लोगों को, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे ध्यान देना है, प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, प्रैक्टिस ऑन वीक एरियाज, जो आप लोगों के वीक सब्जेक्ट्स हैं या वीक टॉपिक्स हैं उन पर ध्यान देना है। डू योर प्रिपरेशन बाय मॉक टेस्ट एंड क्विज, तब आप लोगों को एमसीक्यूज एंड इस तरीके के क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करनी है, और सॉल्व प्रीवियस ईयर कंटेंट या पेपर्स। तो ये आप लोगों को आफ्टर नोटिफिकेशन करते हैं। कई कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि नोटिफिकेशन आया नहीं है, अभी भी वो एमसीक्यूज या पता नहीं कहीं कहीं क्विज अटेंड कर रहे हैं, कुछ अटेंड कर रहे हैं। तो ये सब आपको नहीं करनी है। जब तक आपको टॉपिक नहीं पता होगा तो आप लोग एमसीक्यूज कैसे फॉलो कर सकते हैं, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? तो पहले आप लोगों को टॉपिक को समझना है, फिर जाके आप लोग अपने क्विज एंड मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये आप लोगों को इम्पोर्टेंट चीज़ें ध्यान में रखनी है। जब आप इन दोनों को अच्छे से कर लोगे तब जाके आप लोगों की जो फाइनल प्रिपरेशन है बहुत अच्छी सी हो जाएगी। फिर आप लोग अपने मेकिंग नोट्स और जो भी कंटेंट है सोशल लिंक के अकॉर्डिंग आप जुड़े हुए हैं, किसी अदर चीज़ से जुड़े हैं, तो वो आप लोगों को कंटिन्यू करनी ही है, ठीक है। अब चलते हैं बुक्स के लिए। जर्नल इंग्लिश और हिंदी का ऐसा कोई ज़्यादा इशू नहीं है। आप लोग नॉलेज जो जिसे हम बोल सकते हैं कि बेसिक नॉलेज के क्वेश्चन ही आते हैं,
बट फिर भी एक हिंट के लिए मैंने जर्नल इंग्लिश के लिए नीतू सिंह की बुक प्रेफर किया आपको। जर्नल हिंदी के लिए ल्यूसेंट और आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, वो भी आप लोग ले सकते हैं। जीके और करंट अफेयर्स के लिए कोई भी ऐसा पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल जो आपको ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ से जीके अच्छा पढ़ाया जाता है, करंट अफेयर्स अच्छा पढ़ाया जाता है, तो वहाँ से आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके लिए कोई ऐसी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। कंटिन्यू कर दिए हैं मैंने भी जर्नल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स की सीरीज़, तो वहाँ से भी आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए अरिहंत की बुक बेस्ट है, कंप्यूटर लिटरेसी के लिए ल्यूसेंट की बुक बहुत बेस्ट है, पैडागोजी के लिए यूथ कॉम्पिटिशन बट MCQs के लिए, MCQ बेस्ड कंटेंट होता है इसमें, तो आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं यूथ कॉम्पिटिशन की बुक। और वैसे तो मैं टेट और KVS की प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप लोगों को कंटेंट मिल जाएगा, टॉपिक्स भी मैंने बहुत सारे समझाए हैं MCQ बेस्ड क्वेश्चंस के साथ। सब्जेक्ट कंसर्न है उसमें कम से कम 5 से 6 सब्जेक्ट आएंगे, तो आप लोग कंटिन्यू कीजिए 5th, 6th, 7th, 8th की NCERT की बुक, तो वहाँ से आप लोग अपने रिविजन और प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। अब आ जाता है प्रैक्टिस सेट। जब आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो प्रैक्टिस सेट आप लोगों को फॉलो करना है, अरिहंत का या आर गुप्ता का, दोनों में से किसी एक का प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, तो वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा सेल्फ स्टडी के लिए, अपने प्रिपरेशन को बेस्ट बनाने के लिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को बुक्स एंड अदर चीज़ों के अकॉर्डिंग याद रखनी है। होप्स आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई और डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं, किसी भी लिंक से जुड़कर आप लोग पूछ सकते हैं। सो कीप लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सभी लिंक से जुड़िए इसी तरीके से, सब्सक्राइब जरूर कर दें बेल आइकन के साथ, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग मिस ना कर सके। सो कीप लर्निंग, डू योर प्रिपरेशन बेस्ट, फॉलो एंड लाइक एंड शेयर जरूर कर दें हर कैंडिडेट तक। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, ये टॉपिक था जो सबके लिए इंपॉर्टेंट है जो KVS की तैयारी कर रहे हैं। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।